हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशंस फॉर द 10th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। इसकी जो थर्ड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग है, या आप बोल सकते हो कि मॉप अप राउंड है, वो स्टार्ट होने वाला है कल। आई थिंक ये कल 15th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो मेरे पास आ चुका है। तो आई थिंक मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको अपडेट दूं, ताकि जो लोग 15th ऑफ सितंबर को काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो उनको पता हो कि कहाँ कहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी है, किस किस स्कूल में, कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट में, कहाँ कहाँ पे आपको सीट की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। तो अगर हम बात करें पहले FMPHW कोर्स के लिए, क्यों गवर्नमेंट में मोस्टली FMPHW कोर्सेज ही दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट ANM स्कूल किश्तवाड़ में अगर मैं ओपन मेरिट में बात करूँ तो यहाँ पे जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो वन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वन की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, और एट आई थिंक कैटेगरी की सीट्स अभी भी अवेलेबल है यहाँ पे, जिसमें SC में 2 सीटें हैं, ST में 1 सीट है, OSC में 1 सीट है, ALC में 1, RBA में 1 सीट है, और SP में 1 सीट है, और PSP में भी 1 सीट है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट ANM स्कूल रामबन की, यहाँ पर ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, और कैटेगरी में यहाँ पे 7 सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, कैटेगरी में, और 7 सीट्स में ये जो बता रहा है, ये ST में 2 सीटें दिखा रहा है, और उसके बाद RB में 1 सीट है, CDB में 1 सीट है, SP में 1 सीट है, JKPM में 1 सीट है, और PSP में 1 सीट की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। रियासी की अगर मैं बात करूँ ANM स्कूल रियासी की, तो यहाँ पे भी ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, कैटेगरी में 7 सीट्स हैं, और कैटेगरी में जो 7 सीट्स हैं वो आप देख पा रहे हो कि SC में यहाँ पे 1 सीट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद 2 सीटें हैं ST की आई थिंक, और उसके बाद जो OSC में 1 सीट है, ALC में 1 सीट है, CDP में 1 सीट है, और PSP में 1 सीट आई थिंक दिखा रहा है। रियासी की मैं अगर बात करूँ, ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं है, कैटेगरी में 7 सीट्स रहती हैं। डोडा की अगर मैं बात करूँ तो 2 सीटें ओपन मेरिट में है, कैटेगरी में 21 सीट्स है यहाँ पर डोडा में, काफ़ी सारी सीट्स इसमें वेकेंट है। SC में 5 है, OSC में 2 हैं, RB में 5, ALC में 1, CDP में 1, SP में 1, JKPM में 1, और PSP में 2 सीटें। तो इसका मतलब डोडा में गवर्नमेंट स्कूल में कैटेगरी में सब में सीट्स प्रेजेंट हैं, ओपन मेरिट में भी 2 सीटें हैं। फिर ANMT स्कूल गांधीनगर जम्मू की बात करूँ, 2 सीटें यहाँ पे भी हैं, ओपन मेरिट में 14 सीट्स कैटेगरी में हैं। यहाँ पे SC में कोई सीट नहीं है, और JKPM में कोई सीट नहीं है, बाकी सब कैटेगरीज में सीट की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है गांधीनगर की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद अगर हम कठुआ में चले तो कठुआ में यहाँ पे 14 सीट्स हैं आपकी ओपन मेरिट की, और 23 सीट्स हैं कैटेगरी की। ठीक है, कठुआ में तो कैटेगरी में ऑलमोस्ट सब में सीट्स हैं, सिर्फ JKPM में कोई सीट नहीं है। ये देखिए, कठुआ में सिर्फ JKPM में कोई सीट नहीं है, बाकी सब कैटेगरी में सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। तो अगर मैं पुंछ की बात करूँ, पुंछ में भी 13 सीट्स हैं, कैटेगरी में 25 सीट्स हैं, और इसमें JKPM में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, बाकी कैटेगरी में सारी सीटें हैं। मैं मार करके भी के भी दिखा देता हूँ, अब मैं पुंछ में ये देखिए 13 सीट ओपन मेरिट, 15 सीट्स कैटेगरी में, 25 सीट्स कैटेगरी में, कैटेगरी में मोस्टली सब में सीट्स अवेलेबिलिटी है। रजौरी में भी 9 सीट्स ओपन मेरिट में, 24 कैटेगरी में, और सारी सीट्स कैटेगरी में भी सब में अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। उसके बाद उधमपुर की अगर मैं बात करूँ, उधमपुर में रजौरी का मैंने बता दिया, रिपीट कर दो, 19 सीट्स ओपन मेरिट में, 24 सीट्स कैटेगरी की, रजौरी में का बता दिया मैंने, उधमपुर में 19 सीट्स हैं ओपन मेरिट में, यहाँ पर भी अवेलेबिलिटी है, और 24 सीट्स हैं कैटेगरी की, और कैटेगरी में भी सारी कैटेगरीज में सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है उधमपुर में। और फिर कठुआ में भी यहाँ पे GNM स्कूल कठुआ है, यहाँ पे भी ओपन मेरिट में 8 सीट्स है, और 10 सीट्स हैं कैटेगरी की, कैटेगरी में भी यहाँ पे सिर्फ आपकी SP JKPM में कोई सीट नहीं है, बाकी सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है आपका। ठीक है, GNM स्कूल उधमपुर की बात करें, फिर AMT स्कूल अनंतनाग में भी ओपन मेरिट में कोई सीट नहीं, 15 सीट्स हैं कैटेगरी में यहाँ पे। फिर बारामूला की अगर मैं बात करूँ, बारामूला में भी ओपन मेरिट में कोई सीट्स नहीं है, और उसके बाद कैटेगरी में 41 सीट्स हैं, ये देखिए
बारामूला में, तो यहाँ पे भी मोस्टली सब में कैटेगरीज में ऑलमोस्ट सब में सीट्स अवेलेबल है। कुपवाड़ा में ओपन नाइट में कोई सीट नहीं है और कैटेगरी में 6 सीट्स दिखा रहा है। बांदीपुरा में भी ओपन नाइट में कोई सीट नहीं है और 8 सीट्स दिखा रहा है कैटेगरी की। बड़गाम में भी ओपन नाइट में कोई सीट नहीं है, 7 सीट्स हैं कैटेगरी की। शोपिया में भी ओपन नाइट में कोई सीट नहीं, ओपन नाइट में 2 सीटें हैं कैटेगरी में, 8 सीट दिखा रहा है। कंगन में भी ओपन नाइट में कोई सीट नहीं दिखा रहा कैटेगरी में, 18 सीट्स दिखा रहा है। तो कुलगाम में ओपन नाइट में कोई सीट नहीं है कैटेगरी में, 9 सीट्स हैं। पुलवामा में भी ओपन नाइट में कोई सीट नहीं है कैटेगरी में, 7 सीट्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की, तो यहाँ पे ओपन मेरिट की 83 सीट्स हैं और कैटेगरी की देखिए 298 सीट्स हैं। एससी एसटी में 57 और 70 सीट्स अवेलेबल हैं अभी भी एससी एसटी की। ये गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा सीट्स आप ये मान के चलिए उधमपुर एएनएमटी स्कूल उधमपुर में है, जिसमें ओपन माइंड में 19 सीट्स और 24 सीट्स अभी भी कैटेगरी की वेकेंट है। तो ये एनालिसिस मैंने आपको एनालिसिस बता दिया गवर्नमेंट स्कूल्स का या कॉलेजेस बोल सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बहुत सारी लिस्ट है, उनमें सब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी आपके एरिया में कोई भी कॉलेज पढ़ता है प्राइवेट कॉलेज, अगर आप उसको अप्रोच करना चाहते हो अप्रोच कर सकते हो। MMPHW में भी और प्राइवेट में ही सारी सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। आप वीडियो को मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा कि कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी, मोस्टली सारे प्राइवेट कॉलेज में अवेलेबिलिटी है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसे न्यू मॉडल इंस्टीट्यूट में 150 सीट्स ओपन मेरिट में, FMPAW में और MMPAW में 100 सीट्स हैं इनके पास। किश्तवाड़ में एक कॉलेज है, ठीक है, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके स्लोली, ठीक है। ये देखिए सारों में, सारे कॉलेजेस में सीट्स की अवेलेबिलिटी है अभी प्राइवेट में। तो ये जम्मू के कॉलेजेस आ गए प्राइवेट में, आप देख सकते हैं, ठीक है, सब में सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए और ये आ गया लास्ट में, जो अभी भी प्राइवेट कॉलेज जम्मू कश्मीर के अभी भी जिनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो है 7195। ये देखिए 7195, और गवर्नमेंट अगर मिला लें तो इसमें बन जाते हैं 7278 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं। ये करगिल के कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी सीट्स की अवेलेबिलिटी अभी भी दिखा रहा है। तो ये मैंने आपको सीट मैट्रिक्स कल के बारे में बता दी 10th बेस पैरामेडिकल का, जो लोग कल जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। कोशिश कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने का, चाहे इंस्टाग्राम पे हो या चाहे मेरे चैनल के ऊपर हो, JK वैकेंसीज अपडेट करके। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स के साथ वीडियो को भी शेयर कीजिए। कोशिश कर रहा हूँ ऑल द मैं इंफॉर्मेशन गैदर करके इस चैनल पे आपको दिखा सकूँ रिगार्डिंग द एडमिशंस जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो भी मैं कर पा रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी और अपने चैनल पे भी। तो काइंडली सपोर्ट माई चैनल, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।